हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर के बहुत सारे हमने टॉपिक कवर करा दिया है। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के लगभग 9-10 प्रकार होते हैं, उन सभी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम दो पर डिस्कस करेंगे। एक है कि संयोजन अभिक्रिया, एक है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको हम जानेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या इसे ही हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, आज के इस वीडियो में हम इसी पर पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी को हम आसानी से समझेंगे। आपको पता है मेरा सिखाने का यही मकसद होता है कि आपको परिभाषा रटना ना पड़े, आप समझकर उसको याद कर लें। तो हम समझाने का प्रयास करेंगे, आप थोड़ा सा समय दीजिएगा। आपको आसानी तरीके से इसी वीडियो में समझ में तो आएगा ही, प्लस याद भी हो जाएगा। तो चलिए अब हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यही आता है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे परिभाषा लिख दिया है, बट परिभाषा हमें रटना नहीं ना है, हमें समझना है। संयोजन अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, तो उस अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, संयोजन मतलब होता है जुड़ना। तो एक ऐसी अभिक्रिया, अगर हमें परिभाषा करना हो तो हम कहेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ते हैं या मिलते हैं, तो उस अभिक्रिया को ही हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। हमने क्या बताया, सपोज डेट, अगर मैं आपको बताऊं तो मान लेते हैं एक ये पदार्थ है, ठीक है जी, ये मान लेते हैं ए पदार्थ है, और एक यहाँ पे एक पदार्थ है जो मान लेते हैं बी है। अब ये दोनों पदार्थ आपस में क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो ये जब दोनों आपस में जुड़ेंगे तो एक मान लेते हैं तीसरा पदार्थ सी का निर्माण करते हैं। तो ये एक अभिक्रिया हुआ ना, ठीक है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है जहां ए और बी दो पदार्थ आपस में मिलकर सी पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को ही हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि जब दो या दो से, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो परिभाषा आपको रटना नहीं है, यहीं से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। अभी तो एग्जाम्पल हमने दिया ही नहीं, ये तो ऐसे ही बस परिभाषा याद कराने के तौर पे हमने बताया है। अभी एग्जाम्पल से समझाएंगे जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फिलहाल देखिए, यहाँ पे हमने परिभाषा लिखा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, हमने क्या बताया, हमने कहा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, हमने कहा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बात आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत ही आसानी तरीके से ये समझ में आ गया होगा कि संयोजन अभिक्रिया कहते किसे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं हम इसके एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास मैं करता हूं, ठीक है जी। एग्जाम्पल तो मैं यहीं पे एग्जाम्पल लिख रहा हूं।
देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल मैं देता रहा हूं कि जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन ये दो पदार्थ हैं, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो CO2 का निर्माण करते हैं जी। तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। बात समझ में आ रहा है ना, दो पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें कुछ समझाने वाला तो है नहीं। दूसरा हम कह सकते हैं कि जैसे कि दूसरा हम किसका दे सकते हैं, चलिए दूसरा हम दे रहे हैं कि जैसे H2, दूसरा हम दे देते हैं H2 प्लस O2। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो ये H2O का निर्माण करते हैं। बात समझ में आ गया, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलते हैं तो जल का निर्माण करते हैं, ये भी एक क्या कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। क्यों, क्योंकि दो पदार्थ मिलकर तीसरे पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज तीसरा अगर और पूछ लिया जाए कोई कह दें तो तीसरा हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे सल्फर है और ऑक्सीजन, यह सल्फर ऑक्सीजन मिलकर SO2 का निर्माण करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी एक संयोजन अभिक्रिया ही कहलाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी, तो आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और भी एग्जांपल हम देख लें, जैसे कि चौथा अगर एग्जाम्पल एक और मैं दे दूँ तो कॉपर ऑक्साइड है और कॉपर ऑक्साइड के साथ H2O के साथ इसको हम क्या कर देते हैं, क्रिया कराते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, कॉपर ऑक्साइड को हम H2O के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। कैसे होगा, तो देखिए कॉपर है, कॉपर नहीं लिखा है ना हमने, Cu लिखना चाहिए था यहाँ पे, यहाँ पे भी मैंने मिस्टेक किया है। ठीक है जी, CuO, ठीक है, ठीक, बात समझ में आ रहा होगा। देखिए कॉपर ऑक्साइड है तो सबसे पहले तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, यहाँ से एक ऑक्सीजन निकला है तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए O है तो O के पावर 2 है ना, तो इसका मतलब दो ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी नीचे 2 लिख दिया गया है, इसका मतलब दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन है, तो ये आपका हो गया कॉपर, जैसे था कॉपर निकाल गया। तो कॉपर क्या यह है, यह है कॉपर डाइहाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये कॉपर डाइहाइड्रोक्साइड बनता है, मतलब दो पदार्थ मिलकर एक तीसरे पदार्थ का निर्माण कर दिए, ये क्या कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको आसानी तरीके से संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, अब हम देख लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो है विस्थापन अभिक्रिया, या इसे ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया में का मतलब यह है ना कि एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई भी एक स्पीसीज किसी दूसरे स्पीसीज को अपने स्थान से, मतलब उसके स्थान से हटा देता है और स्वयं वहां पे आ जाता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को ही हम क्या कहेंगे, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। विस्थापन मतलब क्या होता है, विस्थापन मतलब हटा देना, उसको वहां से हटा देना, उसके स्थान से हटा देना। तो अभी आपको समझ में आएगा, एग्जाम्पल हम देंगे तो फिलहाल यहाँ पे हमने क्या परिभाषा लिखा है ये आप देख लीजिए, हमने लिखा है कि ऐसी, हमने लिखा है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक स्पीसीज, जिसमें कोई एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को उसके स्थान से हटा देता है, एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को उसके स्थान से हटा देता है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगा, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या कहलाता है। बात आपको समझ में आ गया होगा, बट दो चीजों का डाउट होता होगा आपको, सबसे पहला कि सर हमें तो ये समझ में आ गया कि एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को उसके स्थान से हटा देगा तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, बट स्पीसीज क्या है, स्पीसीज हम तो समझे ही नहीं, तो स्पीसीज भी अभी हम बता रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल से समझाएंगे और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि कैसे ये हटा रहा है। ठीक है, देखिए स्पीसीज का पहले मैं डाउट क्लियर कर दूं, स्पीसीज का मतलब होता है आयन, परमाणु,
अणु, समझ रहे हैं, आयन हो, परमाणु हो, अणु हो, ये सभी स्पीशीज के अंतर्गत ही आते हैं। ये डाउट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो यही बात कहा जा रहा है। अब यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं कि जिसमें कोई एक आयन परमाणु या अणु को किसी दूसरे आयन परमाणु या अणु उसके स्थान से हटा देता है, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। ये तीनों आयन हो, परमाणु हो या अणु हो, इन तीनों को ही हम स्पीशीज के अंतर्गत रखते हैं, तो इसलिए हमने लिख दिया कि एक स्पीशीज किसी दूसरे स्पीशीज को उसके स्थान से हटा देता है, तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब हम एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में इसका मतलब है क्या। देखिए इसका हम एग्जाम्पल आपको CH4, यहाँ पे हमने मेथेन ले लिया है और मेथेन को हम क्रिया करा देते हैं Cl2 से, ठीक है। तो जब मेथेन की क्रिया Cl2 से कराते हैं तो Cl2 का मतलब क्या है, अगर मैं आपको कहूँ तो देखिए यहाँ से क्या होता है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से एक क्लोरीन निकलता है और यहाँ के एक हाइड्रोजन को निकाल देता है, तो यहाँ पे जब एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो CH3 और यहाँ पे Cl, ये जाकर क्लोरीन जो एक जाता है इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा देता है और ये क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो जाता है, तो ये आपका CH3Cl बनता है। और जो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा है इसमें से एक यहाँ पे एक क्लोरीन जो बचा है वो मिलकर HCl का निर्माण करते हैं। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो चलिए हम एक और तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए इसी बात को मैं अगर चाहूँ, CH4 है तो CH4 को CH3 और H लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ भैया, बताइए। CH4 को CH3H लिख सकते हैं। अरे भैया यहाँ पे तीन हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, अभी ये इसमें मिल जाएगा तो वही CH4 ही तो हुआ, लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो ऐसे हमने लिख दिया, ये क्लोरीन है तो Cl और Cl, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। दो क्लोरीन, इसका मतलब भी दो क्लोरीन, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कह रहे थे, यहाँ पे हम यही कह रहे थे ना कि मान लेते हैं सपोज ये वाला क्लोरीन जाता है और इस हाइड्रोजन को इसके स्थान से हटा देता है, इस हाइड्रोजन को हटा देता है और ये क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो जाता है, तो जब ऐड होगा, जब ये क्लोरीन यहाँ पे ऐड होगा तो क्या बनेगा, ये CH3Cl बनेगा, बनेगा कि नहीं, ये क्लोरीन आया हाइड्रोजन के स्थान पे आ गया तो CH3Cl हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला है वो इस Cl के साथ क्रिया करके और वही क्या बनाते हैं, HCl बना देता है। तो देख रहे हैं कोई एक स्पीशीज है वो किसी दूसरे स्पीशीज को उसके स्थान से हटा रहा है कि नहीं हटा रहा है, कोई ये क्लोरीन एक स्पीशीज ही तो है, परमाणु है कि नहीं है, तो ये कोई क्लोरीन है ये एक स्पीशीज को हटा रहा है ना, एक परमाणु को हटा रहा है, तो वही हम बात कर रहे थे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक स्पीशीज किसी दूसरे स्पीशीज को उसके स्थान से हटा देता है, तो ऐसी अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी तरीके से ये बातें समझ में आ गए होंगे। तो ये बात आप समझ गए हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल देखना है, और भी एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे कि CuSO4, कॉपर सल्फेट को हम ले लेते हैं और इसकी क्रिया हम Fe के साथ करा देते हैं। तो जब हम कॉपर सल्फेट को Fe के साथ क्रिया कराते हैं तो ये वाला कॉपर जाता है और इस मतलब ये Fe जो जाता है ये कॉपर को उसके स्थान से हटा देता है, तो और ये Fe इस तरह जुट जाता है तो ये FeSO4 फेरस सल्फेट बन जाता है और उसके बाद ये कॉपर जो निकला है ये साइड में आ जाता है। तो ये बताइए कोई एक स्पीशीज किसी दूसरे स्पीशीज को उसके स्थान से हटा दिया कि नहीं हटा दिया, बिल्कुल हटा दिया, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। फिलहाल आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ले लीजिए, ले लिए होंगे, ठीक है। अगर हम बैक आते हैं थोड़ा सा तो इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ले लिए होंगे।
तो चलिए दोस्तों, आज के इतने ही हम रहने देते हैं। फिलहाल आज के स्पीडो में हमने दो इम्पॉर्टेंट जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको हमने अच्छे से समझने का प्रयास किया है। मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आगे भी हम ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक करके फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। और क्या आप मैथ पढ़ना चाहते हैं? यदि आप चाहते हैं तो मैथ पढ़ना, तो आप अपने बुक का नाम लिखिए कि मनोहर से, राजीव से, अरियन से, किससे आपको पढ़ना है। तो मैं जल्दी चाह रहा हूँ कि आपका क्लास 10th का मैथ जो मैथ है उसको भी स्टार्ट किया जाए। तो जैसे आप कहेंगे मैथ भी स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है? तो कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।